तो हाय गाइस, आप लोगों को मेरे चैनल पे स्वागत है। बहुत दिन के बाद मैं आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ। मेरा वीडियो अभी लेट हो रहा है, मतलब वीडियो पब्लिश होना थोड़ा टाइम लगता है, अच्छे से एडिटिंग करता हूँ एक बात है, और दूसरी बात ये है कि मेरे पास टाइम नहीं, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो शूट कर नहीं पा रहा हूँ। इसलिए तो कोई बात नहीं, और एक वीडियो पे आया हूँ। और इस वीडियो पे मैं पिछली बार इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो डाली हुई है ये वाला, कि कैसे आप अपने ओप्पो A37F को फ्लैश करते हैं। तो आइए इस वीडियो में देख लेते हैं। तो गाइस, आप लोगों को पता है जैसे कि मेरे चैनल पे मीठी सी वार्निंग रहती है, अगर आपने मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसे भी दबा देना ताकि आपको मिले हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, तो आपको पहले अपने गूगल क्रोम पे आना है, उसके बाद सर्च करना है firmwarefile.com का एक वेबसाइट मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया, उसे आप जाकर देखें। तो उसके बाद जैसे कि आपको फ्लैश करना है ओप्पो A37f, तो उसे सर्च करें और एंटर दबाएं। तो जब आप ओप्पो A37f टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो उसी मॉडल का, उसी रिलेटेड सर्च का बहुत आएगा। ये देख सकते हो ओप्पो A37t, ओप्पो A3 CPHO, 1837, ओप्पो A37m, मतलब एक मोबाइल, एक ही जैसा मोबाइल दिखने वाला बहुत ही मॉडल है। तो आपको ध्यान से अपना मॉडल देख लेना है पहले। वो जो बैक साइड में एक स्टिकर लगा हुआ आता है उधर आप देख सकते हैं। तो मेरा अच्छे से मैं देख लिया कि ओप्पो A37f, और किसी का A37FW भी होता है और किसी का A37 भी होता है। तो मेरा A37F, तो इसे सिंपली सर्च कर लेना, इसे क्लिक करके। तो ऑन दिस पेज यू विल फाइंड द ऑफिशियल लिंक, या आप कुछ देख सकते हैं। तो ये फर्मवेयर फ्लैश फाइल का ऑफिशियल लिंक, सिर्फ इधर फर्मवेयर, सिर्फ फ्लैश फाइल मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं ओप्पो A37 स्टॉक फर्मवेयर, मतलब सिर्फ फ्लैश फाइल को मिलेगा और फ्लैश टूल और ड्राइवर आपको नहीं मिलेगा। तो अगर पहले से आपको अपने पीसी पे ड्राइवर इंस्टॉल है तो कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हैं ये पहला वाला जो है, हाउ टू फ्लैश यूज इन्फिनिटी बॉक्स सॉफ्टवेयर टू फ्लैश दिस फर्मवेयर। अगर आप ये पहला वाला डाउनलोड करते हैं, इसका साइज करीबन 1 GB के बराबर है, तो अगर इस गेट लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पर इधर बोल रहे हैं कि फ्लैश करने के लिए आपको इन्फिनिटी बॉक्स की जरूरत होगी, तो मैं सजेस्ट करूंगा उसे ना करें, क्योंकि इन्फिनिटी बॉक्स अगर आपके पास नहीं है, तो मेरे पास भी इन्फिनिटी बॉक्स नहीं है। तो सिंपली ये वाला देखें, हाउ टू फ्लैश फॉलो ट्यूटोरियल भी है, तो सिंपली फॉलो ट्यूटोरियल पर क्लिक कर लेना। और उसके बाद हाउ टू यूज कॉलम है इमेज फ्लैश डॉटर क्यू फिल, कुछ ऐसा आ रहे हैं। तो पहले स्टेप नंबर 1, डाउनलोड एंड इंस्टॉल द कॉलकॉम यूएसबी ड्राइवर। इफ यू हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड द कॉलकॉम यूएसबी ड्राइवर ऑन योर कंप्यूटर देन स्किप दिस स्टेप। तो बोल रहे हैं अगर आपके पास ड्राइवर है, तो ड्राइवर नहीं है तो सिंपली इसे डाउनलोड करके इसे अपने पीसी पे डाउनलोड कर लेना। तो नेक्स्ट चीज आता है आपको फ्लैश टूल डाउनलोड करने के लिए। तो स्टेप 2, डाउनलोड एंड एक्सट्रैक्ट द कॉलकॉम
तो गाइस ये फ्लैशिंग का प्रोसेस उम्मीद करता हूँ ये आपके फ़ोन को अच्छे पूरी तरह से फ्लैश कर दी होगी। अगर नहीं किया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना या तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना कर लेना RC Roy 13 मेरा आईडी है, तो उसे फॉलो कर लेना मैं और मुझे मैसेज कर देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर देके आपको हेल्प करने के लिए कोशिश कर दूँगी। तो प्रोसेस तो बहुत ही ईजी था, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और एक बार बता रहा, अगर आपके पास कुछ भी डाउट या तो क्वेरी से नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर आपको दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसे भी दबा देना ताकि आपको मिले हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। और मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हाँ पर हाँ, जाने के पहले इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना। तो गुड बाय गाइस।